कितने दिनों से आप मन्नत आ रहे हैं और आज आर्यन खान को जो है रिहाई मिल गई है, क्या कुछ कहेंगे उसमें? मैं मन्नत तो बहुत टाइम से आ रहा हूँ, लेकिन ये जो अभी वक्त बुरा चल रहा था उसमें मैं हर एक दिन उनके साथ हूँ। मैं मन्नत भी आता था, मैं कोर्ट के बाहर भी जाता था। एक्चुअली इस वक्त में हमारा साथ बहुत ज़रूरी था टू नो हिम कि हाँ हमारे साथ अब भी उतना ही प्रेस शाहरुख सर के लिए उतनी ही मोहब्बत है, बल्कि उससे ज़्यादा इस टाइम पे है और ऐसे ही रहेगी हमेशा। अपना नाम बताइए, आप जो है कई दिनों से आ रहे थे, पोस्टर्स बैनर्स भी लगा था, कुछ ऐसा प्लान है आज आपका? शाहरुख आ रहे हैं, आर्यन आ रहे हैं घर। मेरा नाम नियाज है और मैं मुंबई से हूँ, मैं टीम शाहरुख खान फैन क्लब से हूँ। और मतलब आज मतलब हमको बहुत खुशी है कि आर्यन आ रहे हैं, हम लोग इतने दिन से आ रहे हैं 6-7 तारीख से लगातार, तो आज हमको खुशी मिल रही है कि वो आ रहे हैं। बिल्कुल आज खुशी है, लेकिन आज की तैयारी कुछ है आपके शाहरुख के लिए? है, हम लोग उनका अच्छे से वेलकम करेंगे। अगर आप दिखा पाए तो अभी नहीं, हम उनका आने पे दिखाएंगे। मैडम आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अपर्णा है, मैं भी टीम शाहरुख खान फैन क्लब से हूँ। बिल्कुल आप फैन क्लब से हैं, लेकिन आर्यन जो है वो वापस से मन्नत लौट करके आ रहे हैं, कितनी खुशी है आपके? बहुत खुशी है, हम लफ्जों में नहीं बयां कर सकते। सब जानते हैं कि शाहरुख और उनकी फैमिली कितना स्ट्रगल से गुजर के ये दिन आज आ पाया है, तो मैं एज ए शाहरुख खान फैन हम उनके साथ थे, खुशी में भी तो गम में भी है। और आज हमें खुशी इस बात की है कि बेल मिलने के बाद पहले बार वो घर आने वाले हैं। आप बिल्कुल फैन क्लब से हैं, तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि शाहरुख खान से या आर्यन खान की आपको एक झलक मिल जाए या मुलाकात करने का मौका मिल जाएगा? हमको मुलाकात से ज्यादा साथ देना ज्यादा पसंद है, मतलब हमको बस ये मैसेज देना है कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे प्यार करते थे, करते हैं और करेंगे भी आगे। अरे आप स्ट्रांग हो ही, शाहरुख को स्ट्रांग बनने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उनका साथ देने आए हैं।